ना चटनी ना सब्जी। आज हम बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी बनाएंगे, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ मैंने बिल्कुल बढ़िया से पके हुए लाल लाल टमाटर ली हूँ। यहाँ मैंने बड़े साइज के टमाटर ली हूँ, इसलिए यहाँ मैंने 4 टमाटर ली हूँ। आप अगर छोटे वाले टमाटर ले तो टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और अब हम टमाटर को पानी में डालेंगे। पानी में डालकर हम इसे अच्छे से धो लेंगे, जिससे इसके ऊपर लगा हुआ धूल और मिट्टी अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने टमाटर को अच्छे से धो ली हूँ। तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और पानी को हटा देंगे। दोस्तों, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और अब हम टमाटर के ऊपर वाले डंठल को निकाल देंगे और इस तरीके से टमाटर को हम बीच में से कट लगा लेंगे। और सेम तरीके से हम दूसरे टमाटर को भी बीच में से काट करके इसे 2 भाग में अलग कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने 4 टमाटर को नाइफ से बिल्कुल अच्छे से 2 भाग में काट ली हूँ। तो अब हम एक पैन लेंगे, गैस ऑन करेंगे और पैन को हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म होने देंगे। पैन हमारी हल्के से गर्म होना स्टार्ट हो गई है, तो अब हम इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। या मैंने सरसों का तेल का यूज़ किया, आप कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में अगर आप इसे बनाएंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट होता है। और अब हम पैन में तेल को अच्छे से फैला लेंगे। और अब पैन हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म है, तो हम एक एक टमाटर के इस तरीके से पीस को पैन में डालेंगे। पैन में डालकर गैस का फ्लेम 20 से 25 सेकंड के लिए हाई रखेंगे, जिससे टमाटर हमारे अच्छे से पकेंगे और ये बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी बनेंगे। और अब हम टमाटर के बीच में 1 लहसुन डालेंगे और 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे। आप तीखे के लिए सूखी लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। टमाटर हमारे बिल्कुल भी फीके ना लगे, इसके लिए हम इसके ऊपर 1/2 टीस्पून या स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डाल करके हम इसे ढक करके 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और इसका सारा जूस और फ्लेवर पैन में आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे इसे अच्छे से पलट देंगे और आप देख सकते हैं टमाटर हमारे अंदर से भी बहुत ही अच्छे से पक गए हैं। तो हम एक चिमटा से इस तरीके से टमाटर के ऊपर वाले स्किन या छिलके को निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए, इसकी वजह से स्किन ईजिली निकल रहे हैं। तो इस तरीके से आप निकालेंगे चिमटे से तो आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारे छिलके को निकाल ली हूँ। तो अब हम स्पैचुला से टमाटर को अच्छे से हल्के हाथों से इस तरीके से दबाते हुए स्पैचुला से ही मैश कर लेंगे। और आप देख सकते हैं टमाटर हमारे बहुत ही अच्छे से मैश हो गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और लहसुन को हम इस तरीके से डायरेक्ट बर्नर पे डाल करके इसे 5 से 6 सेकंड के लिए पका लेंगे, जिससे लहसुन हमारे एकदम फ्लेवरफुल हो जाएंगे और इसमें एक स्मोकी फ्लेवर आएगा। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम लहसुन को इस तरीके से मैशर से दबा लेंगे, जिससे लहसुन का छिलका और लहसुन हमारे अलग हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसे मैशर से दबाया था और ये देखिए लहसुन बहुत ही अच्छे से स्किन छोड़ रहे हैं। तो हम इसे हल्के हाथों से इस तरीके से दबाते हुए अच्छे से मैश कर लेंगे। और ये देखिए यहाँ मैंने इसे मैशर से ही अच्छे से दबाते हुए सारे लहसुन को अलग कर लेंगे। और ये लीजिए हमारा लहसुन भी अलग हो गया है। तो अब हम टमाटर को भी चेक कर लेते हैं और टमाटर को भी हल्के हाथों से हम इस तरीके से दबाएंगे। टमाटर अभी काफ़ी गर्म है, तो हम इसे भी मैशर से हल्के हाथों से इस तरीके से दबाते हुए पैन में ही अच्छे से मैश कर लेंगे। दोस्तों, ये रेसिपी बनाना जितना ज़्यादा आसान है, ये खाने में उतनी ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल होती है। और अब हम मैश किए हुए टमाटर में मैश किए हुए लहसुन डालेंगे। इस रेसिपी में आप लहसुन का यूज़ ज़रूर करें, जिससे आपको इसका फ्लेवर बहुत ही अलग और डिफरेंट लगेगा। और अब हम इसमें मीडियम साइज के बारीक कटे हुए एक प्याज डालेंगे, बारीक कटे हुए धनिया की पत्ती डालेंगे और अब हम इन सभी को अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारा बहुत ही टेस्टी और लाजवाब
टमाटर का भरता बनके तैयार है। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया और चटपटा होता है। और अब हम इसमें 1/4 चम्मच भुना जीरे का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, आप चाहे तो काले नमक का भी यूज़ कर सकते हैं, और 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। और अब हम इन सभी इंग्रेडिएंट को इस स्पैचुला से अच्छे से फिर से हम चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए हमारा बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी टमाटर का इंस्टेंट भरता बनके तैयार हो गया है। और चलिए अब मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ कि हमारा भरता बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और टेस्टी बना है। तो आप इस भरते को पराठे, चपाती, पूड़ी किसी के भी साथ खाएं, ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और लाजवाब होते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी और वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जब भी आपको दाल सब्जी बिल्कुल भी खाने का मन ना हो और कुछ टेस्टी चटपटा खाने का मन हो तो आप इस तरीके से एक बार टमाटर का भरता ज़रूर बनाएं। सप्ताह में 4 दिन तो आप इसे ज़रूर बनाएंगे। और चलिए मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नए रेसिपी में।